वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम करेंगे। ये स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं। बताओ, फाइंड द टू नंबर्स, दो नंबर्स निकालो हो सम एंड प्रोडक्ट, यानी सम जो है वो 14 है और प्रोडक्ट 45 है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम नंबर सपोज कर लेते हैं। सपोज ये लेट फर्स्ट नंबर, तो जो पहला नंबर है वो एक्स है और जो सेकंड नंबर है वो क्या है, वाई है। बाय गिवन कंडीशन क्या है, उसने कहा कि जो उनका सम है ना, यानी अगर ये दो नंबर हैं इनको मैं जमा करूं तो कह रहा है 14 आएगा, और अगर प्रोडक्ट करूं तो 45 आएगा, यानी एक्स वाई करूं तो क्या आएगा, 45। तो सिंपल क्वेश्चन बन चुकी है, इसमें से वैल्यू निकाल के यहाँ दर्ज कर दें या इसमें से निकाल के इसमें से दर्ज कर दें, क्योंकि दोनों ही लीनियर हैं। ठीक है, यहाँ से वाई की निकालो चाहे एक्स की निकालो, कोई मसला नहीं। ये देखें, वाई को मैं इधर ले आता हूँ तो ये क्या हो गया, 14 - y, ये इसमें दर्ज कर दें, पुट एक्स इक्वल टू 14 - y। तो जहाँ x है वहाँ मैं क्या रख देता हूँ, 14 - y। इस y को मैं इधर कर लेता हूँ, x की जगह मैं रख दिया 14 - y इक्वल टू 45। 14 को y से किया तो 14y, माइनस y को y से किया तो y का स्केयर इक्वल टू 45। माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ, y स्केयर, इसको भी उधर ले गया, माइनस हो गया, ये पहले इधर मौजूद है तो प्लस 45। चूँकि ये दोनों रकमें बराबर के उधर गई हैं तो इस तरफ क्या आ गया, 0। तो अब बाद में 0 उधर ले जाएंगे, -14y + 45 = 0। ये हो गया जी हमारा सीधा पत्रा। अब हम क्या करेंगे, इसको चाहे तो फैक्टराइजेशन कर लो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लो। ठीक है, अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो 45 का 14 आना चाहिए, तो 9 5 4। ठीक है, तरफ करें तो ये आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो ये होना चाहिए, तो 9 5 4 40 जो अलामत यहाँ हो वो बड़ी के साथ। अब चूँकि जमा करना है तो वो माइनस लगानी पड़ेगी ना हमें, तो -9y - 5y, पहली दो में से y कॉमन है तो y - 9 आ जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन है तो y, इस मायने की वजह से ये अलामत चेंज, 5 9 = 45, इन दोनों का एक हो जाएगा, दूसरी में y - 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 रख देंगे, इसको भी 0 रख देंगे, y - 9 = 0, y - 5 = 0, y = 9, y = 5। ये उधर दर्ज कर देते हैं, यहाँ पे पुट y = 9, x = 14 - 9, तो ये आ जाएगा 5। इस तरह अगेन पुट y = 5 इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं ऐसे। ठीक है, इसको तो x = 14 - 5, तो ये क्या आ गया, 9। कहता है कि दो नंबर्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट ये है, यानी सम 14 और प्रोडक्ट ये है, नंबर्स निकाले हमने, फर्ज कर लिया, लेट कर लिया कि जो फर्स्ट नंबर है वो एक्स है और सेकंड नंबर वाई है। अगर उनको कंडीशन क्या है, प्लस करें तो 14 आएगा, मल्टीप्लाई करें तो 45 आएगा। तो सिंपली ऐसे ही यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ दर्ज की, यहाँ से हमारे दो आंसर आ गए, उन दो आंसर को हमने इधर दर्ज करना है तो हमारा आंसर आ गया।